हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुप्रीम स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एप्लीकेशन फॉर एडमिशन फॉर्म कैसे भरें। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं जिसका एडमिशन करवाना चाहते हैं स्कूल में, या एडमिशन करवाने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि स्कूल पर जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, सॉरी हाँ, एडमिशन के लिए, वो आपको सही से भर पाएँ। तो सबसे पहले आपको जो मिलेगा एक फॉर्म, उसमें सीरियल नंबर रहेगा, वो आपको फॉर्म पर लिखा रहेगा। एडमिशन टू क्लास, किस क्लास में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको स्टूडेंट डिटेल्स में आपको भरना क्या है, कैपिटल लेटर में आपको भरना है, स्टूडेंट का नेम भरना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरना है, इसमें जिस तरह से फिगर में लिखा हुआ है डेट, उसके बाद मंथ्स, उसके बाद ईयर, जेंडर में मेल है या फीमेल्स है, उस बॉक्स को भर देना है। नेक्स्ट में आपको नेशनली भरना है। नेशनली मतलब कि आप किस देश से हैं, कंट्री से हैं, तो आपको यहाँ पर अपना इंडिया भर देना है। ब्लड ग्रुप आपका क्या है और एड्रेस आपका क्या है, यानी कि स्टूडेंट का डिटेल्स, ये सब भरना है। नेक्स्ट है प्रीवियस इंस्टीट्यूट अटेंड, इससे पहले के कौन से स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे, उसका यहाँ पर नाम लिखना है। उसके आगे है रेसिडेंस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, वहाँ का मोबाइल नंबर, और इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर। अगर स्टूडेंट को कुछ होता है, बच्चे को कुछ होता है, तो स्कूल आपसे इमरजेंसी किस नंबर से बात कर सकता है, वो आपको करना है। उसके बाद एक ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए, वो आपको फिल करना है। अब आइए, पेरेंट्स डिटेल्स आपको फिल करना होगा, यानी कि भरना होगा। पेरेंट डिटेल्स में सबसे पहले फादर्स नेम कैपिटल लेटर में ही आपको फिल करना है। एडुकेशन, फादर्स यानी कि पिताजी का क्या एडुकेशन है, उनका व्यवसाय क्या है, और मदर्स नेम कैपिटल लेटर, उनका क्या एडुकेशन है और उनका क्या व्यवसाय है, उनका मोबाइल नंबर, दोनों व्यक्ति का, एक का फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर, दोनों में से कोई आप फिल कर सकते हैं। दोस्तों, हम ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको अंग्रेजी तो आती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि जिस समय फॉर्म भरते हैं तो उनको पूछना पड़ जाता है। अगर आप पूछते हैं तो आपके नज़रों में, स्टूडेंट यानी कि टीचर के नज़रों में, आप थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेंगे, जिससे आपके बच्चे पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आप आसानी से फॉर्म भर दीजिएगा, तो आपको किसी भी तरह का समस्या नहीं होगा। अब अदर इन्फॉर्मेशन में देख लीजिए, अदर इन्फॉर्मेशन में आपको क्या भरना है। डिस्टेंस फ्रॉम होम, आपका घर जो है स्कूल से कितने दूरी पर पड़ता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, यानी कि या 100 मीटर, 200 मीटर, जो भी डिस्टेंस है आपके घर का, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। स्कूल ट्रांसपोर्ट, आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं स्कूल से बच्चों को गाड़ी से, तो यस करना है, या यहाँ पर नहीं, आपको कम दूरी है, गाड़ी नहीं लेना चाहते हैं बच्चे के लिए, तो नो आपको यहाँ पर भरना है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन, और कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो इसमें दे सकते हैं, और नहीं तो आप इस फॉर्म को यहाँ पर यस लिख कर आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेट लिखिएगा, यहाँ पैलेस लिखिएगा, और यहाँ पर आप सिग्नेचर, अपना पेरेंट्स जो है, माँ हो या पापा हो या दादाजी हो, उनका यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद ये फॉर्म जो होगा वो ऑफिस यूज के लिए होगा, यानी कि सिर्फ इसमें यूज, नीचे का जो साइड होगा फॉर ऑफिस यूज ओनली, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर जो एडमिशन बाय दे देगा और एडमिट या रिजेक्टेड जो होगा, वो यहाँ करके प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा, फिर आपका स्कूल में एडमिशन हो पाएगा। तो यह आपके बच्चे का स्कूल में कैसे एडमिशन हो, इसलिए हम एक स्कूल का फॉर्म लेकर आपको बता दिए। यह फॉर्म जो है वह सराय रंजन रोड, ताजपुर, समस्तीपुर, एक स्कूल का है, और इसमें आपको एक लास्टेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है स्टूडेंट का है, वो आपको लगाना है। तो यह जानकारी अगर आपको सही लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस तरह से जानकारी आगे भी पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।